57 वर्षों से ज्यादा अखंड पाठ, अखंड मानस यज्ञ, अखंड धूना और अखंड ज्योत जल रही है। क्या बात, इस मठ की वह अपरंपार लीला। मेरी यात्रा को देखते रहिएगा आप, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो भूल जो गोरी तो उसको भी बता दीजिएगा, मेरे कमेंट मार के जरा कुछ। हमारा साहब जी, मगर विश्व में यह पहला मठ है जहां आपका लंका जैसे जीतना हो, कोई भी ऐसा जायज काम हो और नहीं हो रहा हो तो आप एक नरियल रख के सुंदर कांड और लंका कांड लिखा देना। सबके मुंह में भी ताला लग गया होगा क्योंकि महाराज ने ऐसा अटूट जवाब दे दिया है सबको कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। तो भाई मेरी यात्रा है, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ उसे, जब मुझे भोले कहेंगे तब मैं अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करूँगा। तो अभी इस समय मेरी मौजूदगी है शारदा मठ पे और रात का बज रहा है 8:30 और अभी मैं एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ, BJP के कार्यक्रम से आ रहा हूँ। वैसे मैं कभी जाता नहीं हूँ लेकिन इस बार मुझे जाना पड़ा सीताराम महाराज जी के साथ और उनके कुछ भक्तगणों के साथ, और वो बात भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है इस राम भूमि पे। तो अभी इस समय हूँ मैं शारदा पहाड़ बोला जाता है इसे, तो यहाँ पर बाबा जी का आश्रम है, तो बाबा जी से आपको मिलवाता हूँ मैं। उनका नाम है जबलपुर सरकार, तो चलो मिलते हैं जबलपुर सरकार महाराज जी से। उनका बहुत नाम है यहाँ पर, वो बहुत, उनको बहुत टाइम हो गया है, समथिंग उनकी एज भी जानेंगे कि एज कितनी हो गई है। तो चलो, चलो। श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ पर है महाराज जी का आश्रम। जय श्री नाग, श्री श्री 108 नागदेव दिगंबर वीरेंद्रपुरी महाराज जी। सदर मंदिर पर बाग बनाया, मारुत सुत देखा सुब आश्रम मुनि बूझ जा, जल पयो जल जाए श्रम राजे वाले पैसे देवे वाले क्वालिटी है काल वाले। तो ये है जबलपुर सरकार जी, हमारा जी सही कहा मैंने? हाँ जी, आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। जय भोलेनाथ की, धन्यवाद। बड़े भाई ने हमारे गुरु भारत बेटा भारत ज्योतिर्लिंग पैदल घूमे अमोलपुरी। हाँ ना, नैना देवी में है भाई, संत महात्मा वो काम ही होगा। और साइकिल मिले, साइकिल पैदल मिले, पैदल जैसे बने वैसे। महाराज मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ मैं साधारण बालक हूँ एक। अरे भाई नैन में तो चल रहे हो, ये तो बन गया हूँ मैं ऐसा महाराज। ठीक है ना? आप लोगों से मेरे से संपर्क हो रहा है, मौज लियो अपना आनंद लियो, बस यही चल रहा है। अभी बेटा साइकिल से बहुत बैठो प्रभु, पूरे हिमाचल पंजाब एटलस काम से निकले एटलस साइकिल अंदर जो मिल जाए वही चला रहे। हमारे सामने तो सब यही चला था, एटलस या हीरो कौन कौन सी साइकिल को नाम देख के दूर चले। बाबा जी पंजाब पूरा साइकिल से और हिमाचल पूरा साइकिल, अब हिमाचल हिमाचल सब साइकिल से घूमा। विशेष नंबर है जी महाराज जी, कितने साल हो गए अभी आपको? पाइए आपको अभी कितने संन्यास लिए? मेरे को संन्यास लिए 40-45 साल हो रहा है, 45 साल से उतर ही हो रहा है। वैसे बचपन ही से मेरी बाबागिरी चल रही है, संन्यास तो मैंने है ना बाद में लिया है। बाकी 12-14 साल से जी मेरी पहाड़ी 14 साल की उम्र से कट रही थी, पहाड़ी जो है ना 14 साल की उम्र। कहाँ से हैं साहब? कहाँ से हैं साहब? हमें जी जबलपुर सरकार है, जबलपुर ही सरकार है क्या है। अच्छा, बाबा जी को उपाधि मिली है जबलपुर सरकार की। क्या
इधर आवे 71-72 में, इधर से हम जाके सुपरताल जुड़े, 73 में हम सुपरताल से जुड़े, समझ गए। 74 में ऊपर हमने धर्मशाला बनाई थी, सामने बने ना माई के थे दो कमरे, काम अद्रासी मंदिर से सामान दो दो के वहाँ पहले यहाँ ऊपर आने का रास्ता भी नहीं था, जिस रास्ते से बनाए हैं अभी पहाड़ी थी, दिनदार आदमी नहीं आता था इधर, पूरा सब ब्रह्म दादा जी का। बाबा जी आपने गुरु दीक्षा किनसे ली, मतलब गुरु दीक्षा भाई गुरु जी है नांगा देव दिगंबर बीरेन्द्रपुरी जी महाराज बजरंग मत सुबहदास समझे अखंड मानस यज्ञ बड्डू महाराज के साथ ही ली। बड्डू महाराज हमारे भतीजे चीजे चेले लगते हैं, बड्डू अच्छा हमारे भतीजे चेले। उत्तम चंद जैन गढ़ा बाजार जबलपुर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एक छोटे से चैनल रासा वाईडी पर। और अभी हम कहाँ पर हैं? मैं अभी शारदा देवी पहाड़ी पर हूँ, जो मदन महल पहाड़ी है उस पर हूँ, वहाँ शारदा देवी का मंदिर है, वो आपको मंदिर भी देखने को मिलेगा। अभी मेन टॉपिक में आते हैं, तो आप ब्रजनामंड बोल रहे थे, क्या बोल रहे सर? ये जो अपने इस जबलपुर में एक ऐसा मठ है जो विश्व वंदनी मठ है, जिसको बजरंग मठ सुपा ताल के नाम से जाना जाता है। इस मठ में दादा वीरेन्द्रपुरी जी महाराज ने अपने परिश्रम से, तप से, त्याग से इतनी मेहनत की है कि यह विश्व वंदनी मठ बन गया है। इस मठ की खासता ये है कि आपके ऊपर कितनों की भी कैसों विपदा आ जाए, उसमें आप एक फल रख दें और एक सुंदरकांड, और विश्व में ऐसा मठ है जहां सुंदरकांड तो मंगलवार शनिवार होते ही हैं, 100-200 सुंदर कांड हर शनिवार मंगलवार को होते हैं, मगर विश्व में यह पहला मठ है जहां आपका लंका जैसे जीतना हो, कोई भी ऐसा जायज काम हो और नहीं हो रहा हो, तो आप एक नरियल रख के सुंदर कांड और लंका कांड लिखा देना। यह बजरंग की ऐसी कृपा है कि आपका ना होता हुआ भी काम तुरंत हो जाएगा। यह मैं बता नहीं रहा हूँ, यह मेरा प्रैक्टिकल है। यह मैंने हजारों लोगों की बड़ी बड़ी विपदाएं उस बजरंग मठ सुपा ताल से हल हुई हैं। इस मठ में 57 वर्षों से ज़्यादा अखंड पाठ, अखंड मानस यज्ञ, अखंड धूना और अखंड ज्योत जल रही है। क्या बात, इस मठ की वह अपरंपार लीला है जिस मठ के कारण आज यदि जहां जहां भी मानस बैठ रही हैं, वो इस दादा दरबार बजरंग मठ सुपा ताल की ही कृपा है, जो आज घर घर अखंड मानस यज्ञ चल रहा है। मात नर्मदे हर, जय 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 सियाराम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत दयालु, सारे काम बन जा रहे हैं, बस किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई मेरे पास आ ही जा रहा है महाराज। अब जो है कि भगवान के भाव से निकले हैं, ए अब बच्चा हम जंगल पहाड़ से इधर भी हम कहीं किसी के पास जाता नहीं, कहीं किसी से हमारा लेना देना बोलना नहीं, शुरू से आदत, और हम तो अपने तखत से कहीं नहीं जाते सब। अभी इसके साथ कह रहे उत्तम जी बैठ गए होंगे, सब होने होते ही पूरे करो सब कार्यक्रम। 24 तारीख को मैंने उपास खोला, 22 को स्थापना, जिस दिन अयोध्या में स्थापना हुई ना उसी दिन हमने रामचंद्र जी की स्थापना आसाम में की, अपने गुरु जी के आश्रम में, उसी दिन उसी समय उसी मुहूर्त पे।
मूर्ति यहाँ से ले गए थे बजरंग मठ से, उधर बजरंग मठ लेके आए, उधर जयपुर से लेके आए, जयपुर से लेके आए, जयपुर, हाँ जयपुर से स्टेशन आई, स्टेशन से बजरंग मठ आई, इधर से फिर जो है, मैं तो एक एक चीज की जानकारी है। महाराज एक प्रश्न था मेरे मन में, बहुत दिनों से ये प्रश्न चल रहा है, ये कम से कम 10 से 15 दिनों से चल रहा है। क्या और मतलब मैं थम गया हूँ अभी यहाँ पर, ऐसा क्यों इस जबलपुर में, मैं आगे जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। तो थमे रहिए जरा, लीजिए देखिए, तो आनी है, सुनो, ये संस्कार आनी है, इधर संस्कारों का प्रदान प्रदान होता है, इधर मान नर्मदा की बड़ी कृपा है, जो ज्वाली ऋषि की भूमि है, और पहली बात तो ये संस्कार ढानी है, इधर तो संस्कारों का माई नर्मदा प्रदान करती है, इधर से जो संस्कार लोगों को मिलते हैं आज बड़ी बड़ी जगह में जाके, बड़े बड़े लोग आज, वो तो आपका तो कहना सही है ना महाराज, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं, मुझसे तो नहीं बोल रहे हैं, मुंह के सामने तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन पीठ पीछे बोल रहे हैं कि यात्रा ऐसे होती है क्या, एक आध दिन होता है विश्राम, उसके बाद चल देते हैं सीधा, कुछ नहीं रहता है, ये तो राम जहाँ इच्छा है, कोई जरूरी थोड़ा, कोई हम बदे थोड़े कि हमें बहन कर सही बात यात्रा, अब हमारी यात्रा तो ऐसी महीना महीना एक एक जगह रुक गए, दो दो महीना रुके, हमें कहा है था राम रमे थे, रमे थे राम, यहाँ राम रम जाए, क्योंकि संस्कार दानी में जब ही तो तुमको आनंद ले, सब सबके मुंह में अभी ताला लग गया होगा, क्योंकि महाराज ने एक ऐसा टूट जवाब दे दिया है सबको कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो भाई मेरी यात्रा है, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ उसे, जब मुझे भोले कहेंगे तब मैं अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करूँगा, और कुछ अभी वीडियो का काम भी बोल सकते हैं, और भी मैं गौ सेवा वाले से जुड़ रहा हूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रयास चल रहा है, कार्य चल रहे हैं, और रामायण आजकल शुरू कर दिए, तो बस श्री राम मुझे बुला रहे हैं जहाँ तहाँ, और फिर उसके बाद रामायण ही पढ़ रहे हैं बस, तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए और बात करते हैं महाराज जी से, यात्रा चल ही रही है तुम्हारी, यात्रा कोई कह रहे यात्रा करना घूमना ही एक यात्रा है, अनुभव कम में बने ही नहीं सकता, समझे, अनुभव जहाँ उसे कोई 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 जगह ऐसे है कि एक दिन भी रुकने को नहीं मन लगे, समझे, हाँ। कई जगह ऐसी बकाहट लगती है, इतने से चलो वो कहीं रम जाती है, सावन में नहीं लगा रहा, हाँ वो तो इतने है, जब नहीं निकल पाए पहले का प्यासा कहाँ से कौन पूरा करेगा, ये सोचने का काम नहीं, नहीं नहीं ये नहीं सोचता कभी मैं, करने वाला वो है, अरे एक घंटे नहीं देगा, एक दिन नहीं देगा, दो दिन नहीं देगा, तीसरे दिन कहीं देने कहीं देने, तो फिर ऐसा है वो प्रभु खुद ही अपने आप, बस प्रभु मेरी यात्रा को देखते रहिएगा आप, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो भूल जो गोरी तो उसको भी बता दीजिएगा मेरे कमेंट मार के जरा कुछ, ठीक है महाराज आप, और बता दीजिएगा कैसी वीडियो बना रहा हूँ मैं, आऊँगा मैं एक दो दिन में, ठीक है ठीक है महाराज, अभी मैं जा चाहता हूँ, वहाँ से महाराज का फोन भी आ रहा है, ठीक है जय सीताराम जी, ठीक है महाराज, जय सी, बहुत सी जगह ऐसी है पत्रों की जी, जो आप देखोगे तो, हाँ जी जी जी, ठीक है महाराज।